शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इतने दिन के बाद भी शाहीन बाग के मुद्दे का कोई हल नहीं निकल सका है। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने वैलेंटाइन डे मनाया और पीएम मोदी को यहां आकर लोगों से मिलने का संदेश भेजा। वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन, लेकिन प्यार का ये दिन शाहीन बाग के लिए विरोध का जरिया बन गया। शाहीन बाग ने अनोखा प्रयोग किया और इस दिन को अपनी आवाज उठाने का जरिया बना लिया। वैलेंटाइन डे के दिन शाहीन बाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पैगाम भेजा। वैलेंटाइन डे का संयोग और गाने का प्रयोग कर शाहीन बाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वो यहां आएं, लोगों से मिलें और शाहीन बाग का कोई रास्ता निकालें। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी गुरुवार की रात शाहीन बाग का इलाका कुछ ऐसे ही नारों और गानों से गूंज उठा। वैलेंटाइन डे की पूरी संध्या पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से शाहीन बाग में यहाँ पर बाकायदा एक युवा ग्रुप अपना प्रोग्राम दे रहा है और साथ ही साथ जो गिफ्ट वैलेंटाइन का है वो भी तुम कब आओगे हैशटैग के साथ। दो महीने से ज्यादा वक्त से धरने प्रदर्शन पर बैठे लोगों के बीच युवा नाम का एक ग्रुप पहुंचा। इस ग्रुप ने यहां अपने अंदाज में लोगों से जुड़ने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी को संदेश भेजा। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार भी शाहीन बाग आना चाहिए? आपको कहीं आनंद जी में नहीं आना चाहिए? उन्होंने अभी दिल्ली में कहा था कि शाहीन बाग संजोग नहीं प्रयोग है, तो अगर माना भी जाए कि ये प्रयोग है तो आगे देखना भी चाहिए कि प्रयोग कितना प्रभावशाली है। इस दौरान महिलाओं के हाथों में वैलेंटाइन डे लिखे पोस्टर के साथ मोदी तुम कब आओगे जैसे स्लोगन वाले पोस्टर भी दिखाई दिए। साथ ही वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन में गाने के साथ गिफ्ट भी रखे गए जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए थे। इस आयोजन का मकसद क्या था वहां जुटे लोगों से ही जानते हैं। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी इसका एक सोल्यूशन चाहते हैं कि इसका एक बीच का सोल्यूशन निकले, इस मुद्दे का हल निकले। हम भी उनको कब से बुला रहे हैं, आपके माध्यम से भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि वहाँ का डेलीगेट्स आए हमसे बात करें, हम उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये मसला जो है वो बातचीत से ही सॉल्व होने वाला है सब। इस आयोजन का मकसद था कि प्रधानमंत्री को ये संदेश भेजा जाए कि वो यहाँ आकर लोगों से मिले और 2 महीने से जारी इस विरोध प्रदर्शन का कोई समाधान निकालें। इससे पहले शाहीन बाग की लड़ाई को दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ये जस का तस जारी है। फिलहाल आने वाले कुछ और दिनों में शाहीन बाग का कोई रास्ता निकालने की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली से राम किंकर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।